अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फरीदा इरम और आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा इन फोकस। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की हालिया सूरतहाल पे। हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से या कुछ महीनों से अफगान तालिबान और यूएस के दरमियान जो है वो डायलॉग चल रहे थे और एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन थी कि अब जो है वो अफगानिस्तान में अमन के एक नए दौर का आगाज जो है शुरू होगा। 9 राउंड्स जो है इस पीस डील के या पीस डायलॉग के वो कम्प्लीट हो चुके थे और ये अपने फॉर्मल कंक्लूजन की तरफ जा रही थी कि बदकिस्मती से हम देखते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आता है कि वो यूनिलेटरली जो है इस डायलॉग से विड्रॉ कर रहे हैं। तो और तसे मंजर इस्लाम का ये बताया जाता है जी कि अफगानिस्तान में या काबुल में जो है वो धमाका कराया है तालिबान ने। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस पूरी पीस डील के दौरान जो है अफगानिस्तान में धमाके होते रहे हैं। अमेरिका को पहले क्यों नहीं इस बात का ख्याल आया कि उसको विड्रॉ कर लेना चाहिए या पोस्टपोन करना चाहिए इस क्रूशियल जो है वो मोड़ पे, जबकि पीस डायलॉग जो है वो फॉर्मल कंक्लूजन की तरफ जा रहे थे। क्यों जो है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ऐलान किया? क्या शुरू ही से अमेरिका जो है वो सिंसियर नहीं था पीस डील करने के लिए या पसे पर्दा कहानी कुछ और है? इसी हवाले से गुफ्तगू आज हम अपने प्रोग्राम में करेंगे और इस गुफ्तगू के लिए हमने अपने जिन मौजूद मेहमानों को आज दावत दी है उनका तारुफ कराते चलें। मेरे साथ मेरे पहले मेहमान हैं डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब, जो कि चेयरमैन हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। मेरे दूसरे मेहमान हैं फारूक मलिक, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि बीइंग अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, आप ट्रंप के इस बयान को किस तरह से देखते हैं जो उसने जारी किया कि हम विड्रॉ कर रहे हैं, और क्यों इस मतलब एंड वक्त पे क्यों ट्रंप ने जो है वो ये ऐलान किया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया बहुत बहुत। ट्रंप के इस बयान से बड़ी हैरानगी हुई है और हैरान है हम कि उन्होंने आखिरी मौके पर किस तरीके से इसको अपने ये जो मुज़ाकरात थे जो कि बहुत करीब थे दस्तखत होने तक और आखिर में उन्होंने इसका ऐलान किया। इसमें एक तालिब इल्म की हैसियत से वो सियासियात की एक हैरान तो कर दिया, लेकिन ये कोई अनहोनी बात नहीं है। इसी तरीके से ट्रंप ने इससे पहले उसका जो रवैया रहा है और जिस तरीके से उन्होंने बाद दूसरे मामलात में रवैया अख्तियार किया है ये उससे कोई गैर मुतवक्को नहीं था, लेकिन गैर मुतवक्को इस लिहाज से था कि उनके अपने मुशीर ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं बताया जाता है कि वो भी इससे वाकिफ नहीं थे और उनको भी मालूम नहीं था। लगता ऐसा है कि शायद ट्रंप के जो मुशीर हैं उन मुशीरों ने उनको एक ऐसा नक्शा दिखाया होगा जिसमें उनको ये लगता है कि शायद इसमें अमेरिका एक बहुत बड़े सुपर पावर की हैसियत से उनकी कामयाबी इसमें नजर नहीं आती और लगता है कि उसके उस बड़े पन बड़े कुत होने के नाते से उनको एक दचका लगेगा और ये एहसास जो है ट्रंप को इस बात पर मजबूर किया कि वो आखिरी वक्त में उसे पीछे हट जाए। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने दिया, थैंक यू सर। अच्छा फारूक साहब, क्या आप समझते हैं कि ट्रंप दोबारा अपने जो है वो इंतखाबी वादे की तरफ जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने इंतखाबात में ये वादा किया था कि अफगानिस्तान का जो है वो पीसफुल कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता बल्कि उसका मिलिटेरली ही हम सोल्यूशन निकालेंगे, तो आप क्या समझते हैं क्या ऐसा है? बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह का आप देख ले कि वो अभी नॉर्थ कैरोलिना में उन्होंने टू डेज पहले कैंप डेविड का जब उन्होंने ऐलान किया वहां पे वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल रैली के पीछे वो गए थे और हर बार में वो कहते हैं कि जी हम जिस तरह सर ने कहा कि अमेरिका की जो हेजमनिक जो एग्जिस्टेंस है दुनिया के अंदर वो फिर स्टेक पर जाएगी या वो चैलेंज हो जाएगी उसकी, तो जहां तक उसका तो यही भी ताल्लुक है कि जी सबसे पहले अमेरिका और अमेरिका के जितनी भी हमारे जो फौजी है उसको मैं वापस अपने कंट्री में लाना चाहता हूं, लेकिन जहां पर मेरी अपनी पर्सनल एनालिसिस है मैं ये समझता हूं कि जो हालात पाकिस्तान के जो ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इंडिया के साथ चल रहे हैं और उसके साथ साथ ये है वो ये भी समझ रहे हैं कि अगर मैं यहां से अपनी फौजी जो है मैं यहां से वो उसके में इनखला उसकी हो जाए और यहां पर ऐसी किस्म की सिचुएशन बन जाएगी, प्रेजिडेंशियल इलेक्शन भी आने वाले हैं और वो एडमेंट भी है अफगान तालिबान, वो कह रहे हैं कि जी जब तक एक ही सोल्जर ही यहां पे होगा तो हमारे उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी होगी, तो रीजन के अंदर एक रीस्टेबिलिटी फिर यह है कि लीडरशिप के ह्यूम भी है कि फिर रशिया उसकी जगह ले रहा है चाइना उसकी जगह ले रहा है, तो इस किस्म के हालात के अंदर जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि उनके कुछ एडवाइजर्स जिन्होंने उसको बताया होगा कि जी कहेंगे अगर आप हम वहां से इमीडिएटली इनखला
وہاں سے ہم کرتے ہیں تو نہ افغان گورنمنٹ اس کے پاس اتنے فنڈز ریسورسز ہے کہ وہ سفائز کر لیں وہاں پر. سیکنڈ دوسری چیز یہ ہے کہ جو حالات پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر ایشوز کے اوپر جو چل رہے ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی وہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ پھر چائنا اور رشیا جو ہے تو میرے خیال سے اگر یہ ریزیوم ہو جائے کیونکہ پوسٹ کینسلیشن کے اندر آپ نے سنا ہوا کہ افغان طالبان کی طرف سے مختلف قسم کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کیونکہ ہم تو پہلے ہی طرف سے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا یہی اسٹرگل ہماری رہی ہے اور آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی یہی کہا کہ دس واز ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ جی ایک اسکرمش یا کوئی دھماکہ ہوا ہے یا کوئی ٹیرر اٹیک ہوا ہے بلکہ ایون اس کے دوران بھی وقتاً فوقتاً یہ جتنی بنتی کاروائی تھی وہ جاری تھی آپریشن بہت سائز کے اوپر. تو نہ صرف کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر جو اضافہ ہوگا جتنی بھی ٹیرر اٹیکس ہے وہ فردر انٹینسیفائڈ ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر اس کے علاوہ جو ٹروپس ہیں بجائے سے کہ وڈرال ہو جائے وہ زیادہ آنے اس کے امکانات ہیں تو حالات بڑی کشیدہ طرف جو ہے وہ چلے جائیں گے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اس سے کیا اثرات ہوں گے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی چار لیٹر میٹنگ جو ہوئی چائنا افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں اس میں پوری کوشش کی گئی کہ سی پیک کو جو ہے افغانستان تک ایکسٹینڈ کیا جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے ایک اور بھی فیصلہ لیا کہ راؤنڈ دا کلاک ٹوکن بارڈر جو ہے وہ کھلا رہے تاکہ ٹریڈ فیسلیٹیٹ ہوتا رہے دونوں ملکوں کے درمیان. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے خیبر پاس اکنامک کوریڈور جیسے پروجیکٹس ٹائم ٹائم میں ہے تو پھر پاکستان کے اوپر اس ڈیسیزن کا کیا اثر پڑتا ہے ان فیوچر؟ اس طرح ہے کہ افغانستان یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ افغانستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے پاکستان اس کے اثرات سے بچ نہیں سکتا. اسی طریقے سے پاکستان کے میں جو کچھ حالات اور واقعات ہوتے ہیں اس کا اثر افغانستان پر بھی ہوتا ہے. تو پاکستان بہت پر امید تھا کہ یہ مذاکرات اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا اچھا اثر پڑے گا پاکستان کے حالات پر پاکستان کے اقتصادی حالات پر بھی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے اور معاہدے پر دستخط نہیں ہو سکا تو پاکستان کو تشویش لاحق ہے کہ وہ سلسلہ جو پچھلے کئی سالوں سے جاری ہیں وہ جاری رہے گا اور اس کے اثرات پاکستان پر مرتب ہوتے رہیں گے. وہ اثرات سیاسی بھی ہیں وہ معاشی بھی ہیں وہ معاشرتی بھی ہیں. اس سے نکلنے کے لیے بہرحال پاکستان جو ہے ایک تشویش ان کی بالکل یعنی فطری ہیں. صحیح ٹھیک ہے تھینک یو. اچھا سر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہی نیوز چلی تھی کہ افغان وفد جو ہے وہ رشیا گیا ہے تو رشیا کیا رول پلے کر سکتا ہے اس سارے کو اجمائی میں؟ دیکھیے ایک تو سب سے پہلے یہ کہ رشیا ایک سپر پاور ہے اس کے علاوہ وہ سیکیورٹی کاؤنسل کے جو ایک پرماننٹ ممبر ہے رشیا تو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی سپر پاور نے اگر میڈیشن جس طرح ٹرمپ نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو مجھے بھی آفر ہے کہ میں میڈیشن کر سکتا ہوں تو یہ روایت رہی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد فرسٹ ورلڈ وار کے بعد لیگ آف نیشن فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پھر اس کے بعد یونائٹڈ نیشن دوسری جنگل گیم کے بعد بنا. تو رشیا ایٹ دا مومنٹ اگر ہم دیکھ لیں تو اس کی ایک تاریخ رہی ہے افغانستان کے اندر اسٹڈی کے لحاظ سے جنگ اس نے کی ہے وہاں پر اس کو اس کے فیلئرس کا اس کا پتہ ہے اور امریکہ کو بھی ویتنام سے کوریا سے مختلف جگہوں پہ جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں ان کو بھی ایکسپیرئنس حاصل ہو چکا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی اسپیشلی پاکستان کے لیے بھی. اس طرح سر نے کہا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے اس کے اوپر ڈائریکٹ اثرات ہوں گے. دیکھیے ریفیوجیز بہت بڑی قربانی ایسار کا وغیرہ پاکستان نے کیا جب 1979 میں یو ایس ایس آر نے فارمر سوویت یونین نے جب حملہ کیا تو پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑی انفلکس تھی ریفیوجیز کی وہ پاکستان کے اوپر آئی اور پاکستان نے وہ ایسار کا جذبہ بھائی چارے کا وہ بڑے اچھے طریقے سے انجام دیا. تو ہم اس حالت کے اندر نہیں ہیں ہماری خود جو ہے ہم انٹرنلی پاکستان اسپیشلی ہمارا جو کی پی جو پرابلمس ہے فرنٹ لائن اسٹیٹ رہا ہے اور اکنامکلی اگر ہم ٹریڈ کی ہم بات کریں یا اگر ہم ٹریڈ والیوم کی اگر ہم بات کریں ٹوٹل ایکسپورٹ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہے جو کہ ہوا کرتی تھی. تو کرنٹ سچویشن کے اندر رشیا جو ہے جس طرح انہوں نے ایک موقع دیا کہ جی ہم ولنگ ہیں پیس کے لیے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں ہم امن چاہتے ہیں کہ دنیا کو ایک بہت بڑا پیغام انہوں نے بھی دیا چائنا نے بھی دیا کہ یہ بہت لانگ اسٹینڈنگ مسئلہ ہے 19 سال ہو گئے ہیں افغان لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں نہ تو رشیا میں کوئی سفر کر رہا ہے نہ کسی اور ملک میں کر رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہم بہت زیادہ امید تھے کہ چلے جی اگر یہاں پہ امن آ جائے تو پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ایفرٹس وہاں پہ کشمیر کے حوالے سے بھی چل رہی ہیں تو کم از کم یہ ہے کہ ایک امن کی فضا قائم ہو جائے گی. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو کہ امن
चाहते नहीं है, जो जिनको जो चाहते हैं कि ये हमें इस पीस प्रोसेस के अंदर इंक्लूड किया जाए, तो इस प्रोसेस को इंक्लूसिव बनाने के लिए इस किस्म की एक्टिविटीज की जा रही है, पसे पर्दा या डायरेक्टली इसको सेपोटाज करने की कोशिश की जा रही है। तो हालांकि अगर हम इससे पहले देखें तो इससे बड़े बड़े टेक्सों के शराब बेस के ऊपर वाकयात हमारे पास हुए, लेकिन एक ग्राउंड उन्होंने देखना था कि जी, लेकिन मेरे ख्याल से कॉमन ग्राउंड को देखने के लिए उनको दोनों पार्टीज को जो है उनको इंक्लूड भी और इनके जो वो है जो पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट है उनके ऊपर इनको एग्रीमेंट लानी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर, ये इजाफा करूंगा कि शायद रूस में जाने के उनका जो फैसला है वहां जाने का, एक लिहाज से वो अमरीका को भी शायद एक पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव और उसका वो एक सियासी तौर पर हो सकता है कि अमली तौर पर इनका कोई इतना ज्यादा असर ना हो, लेकिन बहरहाल सियासी तौर पर एक है उसका तालिबान का। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में पिछले कई दहाइयों से जो है वो एक सिविल वॉर या वॉर का सिनेरियो है, तो हम अफगानिस्तान के इंटरनल डायनेमिक्स क्या है? जैसे कि हम सुनते रहते हैं कि अफगानिस्तान में बहुत सारी फैक्शंस हैं जो आपस में ही मतलब तालुकात नहीं बनाते या पीस की तरफ नहीं आते, तो अफगानिस्तान की इंटरनल सिचुएशन किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है कि वहां पर अभी तक अमन कायम नहीं हो सका? देखिए वो तो बहुत काफी अरसे से ये बात बहरहाल हमारे सामने है कि वहां अगर बैरूनी तौर पर कोई अमन मुजाकरात किसी नतीजे तक पहुंच भी जाते हैं, कोई वादा हो भी जाता है, जो कि इससे पहले हुआ है 1980s में हुए हैं, सॉरी 1990s में हुए हैं, मक्का में वादा हुआ, इस्लामाबाद में वादा हुआ, पेशावर में वादे हुए, लेकिन अंदरूनी तौर पर जब तक कि वो खुद मसाइल पर सोच गौर और फिक्र करके किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, तो ये अमन वहां पर आना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। ये जो मुजाकरात हो रहे थे तालिबान और अमरीका के दरमियान, इस पूरे मुजाकरात में भी ये एक बहुत बड़ा आमिल रहा है कि अगर अमरीका और तालिबान के दरमियान ये मुजाकरात हो जाते, क्योंकि दो नुकात पर थे, एक नुकता यह था कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों का इनखला हो जाएगा, और दूसरी बात उसमें यह थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन अमरीका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। ये दोनों नुकते थे जो अमरीका और तालिबान के दरमियान थे। जो बाकी जो नुकते थे उसका ताल्लुक अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात से था, इसलिए हमारे यहां जो स्कॉलर्स हैं वो उस पर भी बहरहाल इतने ज्यादा खुशफहमी में मुबतला नहीं थे कि जब ये अमन आ जाएगा। इसलिए अफगानिस्तान के अंदर जो अंदरूनी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, उनके अपने अपने मफादात हैं, किस तरीके से उन मफादात को एक जगह पर ला के उसको इकट्ठा किया जाना, ये बहुत मुश्किल काम है, और इसमें ये बहुत जल्दी तय होने वाला नहीं है, ये बहुत वक्त लगेगा। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ये भी ऐड करूंगी कि अफगानिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्टेट स्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं हो सका, और गवर्नमेंट की जित ही नहीं है, तो क्योंकि जो स्टेट होती है, गवर्नमेंट होती है, वो इम्पोज करती है या वो लोगों को एक कॉमन ग्राउंड की तरफ लेके आती है, जब वो ही चीज नहीं है तो फिर अनफॉर्चुनेटली, इसी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट या फैक्टर है कि अभी तक जो है वहां पे पीस प्रोसेस जो है वो कामयाब नहीं हो सका। अच्छा सर, एक और इंटरेस्टिंग न्यूज हमें देखने को मिली कि हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे मशकें कर रहा है। ठीक है, तो एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडिया जो है वो अपनी जंगी मशकों की तैयारी कर रहा है और साथ में अमेरिकन वेपन्स यूज मतलब कर रहा है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं ट्रंप का बयान आता है, थोड़ा आगे पीछे करके दोनों वाकयात हो रहे हैं, तो क्या इन दोनों वाकयात का आपस में कोई गठजोड़ हो सकता है या कोई ताल्लुक हम क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल, यह जहां तक इन इंडिकेशन का सवाल है तो नेगेटिव है। अगर आप ये देख ले तो मेरे ख्याल से एक बयान कल भी इनका आया था कि ये आजाद कश्मीर से आप जो सी पैक एक डिस्प्यूटेड है, बल्तिस्तान के ऊपर जीबी के अंदर जो उन्होंने कहा था कि जी ये सी पैक चूंकि उस रूट पे आ रहा है और ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो डेफिनेटली इससे एक ये तासुर मिलता है कि इनकी प्लानिंग ही ऐसी है कि इन्होंने कि यहां पे हमने किस तरीके से जो है इंडिया को हमने सपोर्ट करना है, क्योंकि अगर आप देख ले जिस तरीके से इसराइल पर्टिकुलरली जो अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, और इसकी मिसाल अगर आप देख लें कि पुलवामा के अंदर जो थर्ड मिसाइल था जिसकी जो वो था लोड जो था जब यहां पे गिरा था उसको जब एग्जामिन किया गया तो इसराइली वेपन्स के, तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो कि अगर चाइना के करीब जा रहा है तो फिर उसको काउंटर करने के लिए फिर उन्होंने अमरीका के साथ वो करीब जाएंगे, तो वो बैलेंस उन्होंने यहां पर रखनी है।
अभी इंडिया की मजबूरी जो है वो इंडिया के लिहाज से भी और पाकिस्तान की उनकी मजबूरी है कि जी आप हमारे डायलॉग वहां पे कराएं, तो एक पाकिस्तान वहां पे जिस तरह आप देखेंगे एक तरफ उनको कहा जा रहा है कि जी आप अमन की कोशिश करें, दूसरी तरफ जी बिहाइंड द सीन वो ये कर रहे हैं कि जी वो उनको सपोर्ट करें, मिलिटरी भी वो कर रहे हैं। दूसरी अगर आप ये देख लें कि इंडिया जो उन्होंने ये S-400 जो मिसाइल थे वो रशिया से उन्होंने लेने थे, वो भी उन्होंने डीजे कर दी, और दूसरी जो F-35 प्लेन थे वो भी उन्होंने टर्की ने वहां पे लेने थे, उनकी सेल भी उन्होंने वहां पे बंद कर दी है। तो जिस तरह सर ने कहा कि डेफिनेटली पावर्स अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, वो आपकी उनके साथ जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी आपकी हो ना हो, आप एक कॉन्टिनेंट और दूसरे कॉन्टिनेंट में हो, लेकिन डेफिनेटली जो बी होगा वो एक दूसरे ए को या ए जो जिससे भी सुपर पावर्स होंगे तो उसके साथ फाइट करेगा कि वो अपनी सिक्योरिटी को वहां पे मेंटेन कर सके, अपनी सर्वाइवल को वहां पे वो मेंटेन कर सके। तो यहां पर ये है कि डेफिनेटली वो इस तरीके से दिखाना भी चाह रहे हैं, ये कह भी रहे हैं कि जी अमेरिका हमारे साथ हैं, नो मैटर कि अगर अमेरिका यहां से चली जाए तो एक तो ये तो उसके अलाइड पावर्स को भी वहां से खतरा है, जो इंडिया ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, इंडिया को खुद वहां पे ऊपर बहुत बड़ा वो है, तो वो यहां पे लिवरेज की भी बात हो रही है। तो कहते हैं कि अगर हम निकलते हैं तो लिवरेज तालिबान को जाती है, अगर नहीं हम नहीं तो फिर हमें हमारा लेवरेज वहां पे ज्यादा आ जाता है। तो इस सूरत हाल में डेफिनेटली जो इंडिया के जो इंटेंशन है वो उस तरीके से हैं कि जी सामने अमेरिका एक कुछ कह रहा है और जो बिहाइंड द सीन है वो कुछ और कह रहा है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर, ये बताएं कि वो हम देखते हैं कि मतलब अमेरिका ने अभी जो बयान दिया उससे ज्यादा उसने पीस प्रोसेस तब अटैच कर दिया, और अब तो फिलहाल तो कोई ऐसा चांस नजर नहीं आ रहा, नहीं है फ्यूचर में कि दोबारा जो है वो रिज्यूम हो सकेंगे डायलॉग, तो अमेरिका क्यों जो है वो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान स्टेबलाइज हो, क्या उसको क्या फायदा हासिल हो जाएगा अफगानिस्तान को एक वीक या एक डिस्टेबलाइज स्टेट रख के? मेरा ख्याल है कि इसमें अमेरिका तो ये चाहेगा कि इस तरह हो, लेकिन वो उन शराइत पर चाहेगा जिसमें अमेरिका की वो जो बैन अलावामी चौधराहट है उस पर कोई इज्जत ना पड़े, इसलिए वो इसको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर कर इस मसले को हल कराना चाहता है। अब वो अपनी जगह पे, लेकिन ऐसा नहीं होता दुनिया की बड़े से बड़े कुवत भी हो वो उसके साथ अगर वो इस तरह इकदाम करे कि किसी दूसरे मुल्क में चला जाए और वहां के मुकामी आबादी के सपोर्ट उनको हासिल ना हो तो वो बहुत ज्यादा अरसे तक नहीं कर सकता। जैसे ट्रंप ने खुद भी कहा कि मैं लोगों को मार सकता हूं, जीत सकता हूं, लेकिन लोग उसमें मर जाएंगे। इसलिए बहरहाल जो दूसरी कुवतें हैं जो तालिबान की ताकत हैं उनके भी अपने कुछ शरायत हैं, तो उन शरायत को वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हुए। एक और उनसे जिसकी तरफ हमारे इस गुफ्तगू में हमने जो गुफ्तगू की उसकी उसमें उसका तरफ इशारा करना चाहिए था जो वो ये है कि शायद उसमें एक अंसर ये भी है कि तालिबान और अमरीका के दरमियान जो मुआहदा होने चला था उसमें अफगान हुकूमत कभी हो सकता है कि कोई किरदार हो, इसलिए कि अफगानिस्तान ये ठीक है कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है उनको वो हिमायत हासिल ना हो जो होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल जो वहां बड़े बड़े शहर हैं और इस 15 साल में एक बहुत नई नस्ल वजूद में आ चुकी है जिनके ख्यालात और तस्वीरात बहुत मुख्तलिफ हैं, उन्होंने हो सकता है यानी ये इम्कान हो सकता है कि उन्होंने भी एक पैगाम अमरीका को दे दिया हो कि आप तो उनके साथ कर लेंगे लेकिन उसके बाद फिर जो कुछ होगा, अब उसके बाद जो कुछ होगा उसके असरात ठीक है बराह रास्त हो सकते हैं अमरीका पर मुरतब ना हो लेकिन गैर इनडायरेक्टली वो अमरीका उससे बच नहीं सकता, और अमरीका और उसके इत्तेहादी जो इस इलाके में मौजूद हैं उससे बच नहीं निकल सकते, तो ये भी मुमकिन है कि इसने भी अपना किरदार अदा किया हो। बिल्कुल ठीक है सर, अभी आपने एक बात कही कि अफगान गवर्नमेंट को नहीं इंक्लूड किया गया, लेकिन ट्रंप ने अभी तो बयान में यही कहा था कि कैंप डेविड समिट में जो है मैंने अफगान गवर्नमेंट को भी इन्वाइट करना था और तालिबान को भी, तो फिर मतलब क्या हम ये सोच सकते हैं, ऐसा रिज्यूम कर सकते हैं कि अफगान गवर्नमेंट की तरफ से भी मतलब कुछ प्रेशर गया हो अमेरिका की तरफ से, क्योंकि हमें नहीं वो बराबर की सेव मिल रही तो फिर हम आप नहीं कर सकते? जी, इसमें आप देखिए कि पिछले वक्तों में नुमाइंदे में जो एक तरफ मुजाकरात हो रहे थे, साथ ही जब अफगानिस्तान काबिल की हुकूमत की तरफ से जो मुख्तलिफ बयान आ रहे थे वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे,
اب یہ بہت دلچسپی کا باعث ہے کہ جو کیمپ ڈیوڈ میں ان کی ملاقات ہونی تھی طالبان نے کہا تھا کہ سگنیچر وہاں پہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہم کرتے ہیں اور وہ دلچسپ صورتحال ہے اس میں اور اس میں یہ کہا تھا کہ یہ دو نقطے جو ہیں اس پر تو امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوگا اور جو باقی دو نقطے ہیں وہ افغانوں کے آپس کے درمیان ہوگا تو اب آپس میں جو ہوگا اس میں پھر افغان حکومت کی پوزیشن اور طالبان کی پوزیشن ظاہر ہے اس میں وہ فرق نہیں ہوتا جو امریکہ کی موجودگی میں ٹھیک ہے تھینک یو اچھا سر ہم دیکھتے ہیں فرام دا ڈے ون جب سے یہ جو ہے وہ پیس ڈائلاگ سٹارٹ ہوا تھا پیس پروسیس سٹارٹ ہوا تھا پاکستان نے جو ہے بہت پازیٹو رول پلے کیا ہے تو اب جب کہ سچویشن ساری جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئی ہے تو اب پاکستان مزید کیا رول پلے کر سکتا ہے کہ واپس امریکہ کو جو ہے ٹاکنگ ٹیبلس کی طرف لایا جائے دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ امریکہ کی ایسا جو خود اس کی اتنی کریڈیبلٹی ہے کہ ایک آلموسٹ کنکلوسو موڈ کے اوپر مذاکرات پہ جس طرح سر نے کہا کہ جی آلموسٹ فائن صرف باقی تھے تو سب سے پہلے یہ کہ ابھی اگر پاکستان روک لے کر بھی سکتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ ابھی طالبان افغان طالبان کو یہ ایشورنس دلانا کہ امریکہ اس چیز کے وڈرا نہیں کرے گی ایک تو سب سے پہلے یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس نے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس نے کریٹ کر دیا ہے کہ آپ مختلف پوائنٹس کے اوپر آپ جو ہے تو ایک اگریمنٹ کرنے کے قریب ہوتے ہیں آلموسٹ اور اچانک جو ہے آپ اس سے وڈرا کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہاں پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہوتا ہے جہاں پر ریزمشن یا ٹاکس کو ریزیوم کرنے کی بات ہے تو میرے خیال سے ہو سکتی ہیں پاسبل ہیں پاکستان نے پہلے بھی جو ہے اپنی سروسز جو ہے آفر کی ہے اس خطے کی ریجن کے لیے نہ صرف اس میں افغانستان کا فائدہ ہے نہ اس میں پاکستان کا فائدہ ہے بلکہ پورے ریجن کا فائدہ ہے اگر خدا نہ خاصہ اگر یہاں پہ انسٹیبلٹی یہاں پہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور اگر ہم دیکھتے گئے کہ ایسی سچویشن میں امریکہ کا ہونا بھی ایز اے فیکٹ ضروری ہے کیونکہ جب تک یہ فل اسٹیبلائز ہے سر نے دوسرا سوال کیا فیکشن کی وہ میں ذرا اس کے ساتھ میں ملانا چاہتا ہوں دیکھیں اگر ہم دیکھ لیں تو وہاں پر لنگوسٹکلی ٹیکنیکلی ٹھیک ہے وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو بڑا ڈائیورس ملک ہے افغانستان اور لارڈ اگر ہم دیکھ لیں تو چیف جنرلز ہیں لارڈز ہیں وہاں پر قوموں کی لڑائیاں ہیں دشمنیاں ہیں لوڑی کی فیوڈز ہیں تو میرے خیال سے سب سے پہلے یہ کہ وہ ایک بہت سب سے بڑا چیلنج یہی ہوگا کہ جس سر نے بہت بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ یہ ینگ جنریشن آ رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کو بھی اپنی جو لبرٹیز ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے تو یہ چیز یہ کر دیا لیکن واٹ اباؤٹ اس ہمارے فیوچر کا کیا بنے گا تو پاکستان ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ اس کا یہی کردار ہوگا کہ مطلب جو دونوں پہلے بھی انہوں نے یہی کردار ادا کیا اپنی خدمات ادا کی کہ اگر آپ یہاں پہ کرنا چاہیں یا ہماری طرف سے کوئی حل چاہیے کہ اول تو ہم انفلوئنس نہیں کر سکتے لیکن ہم کوشش بھرپور کریں گے کہ یہ امن کے لیے امن آ جائے تو ہمارے حق میں بھی اور آپ لوگ کے لیے بالکل سب پورے ریجن کے لیے جو ہے فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ہی ناظرین گفتگو کا سلسلہ سمیٹتے ہیں آپ دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا اور ناظرین امید کرتے ہیں کہ افغانستان کو امن کی وہ صبح دیکھنا نصیب ہوگا جس کے لیے وہ کئی صدیوں سے کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام میں اللہ حافظ